द पोए इज द स्पाइडर एंड द फ्लाई एक्चुअली दिस इज नॉट अ पोएम दिस इज अ फेबल सो फेबल मतलब क्या होता है uh, एक पोएम के जैसा ही होता है लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं और एक मॉरल स्टोरी होता है तो इसमें क्या कैरेक्टर्स है एक स्पाइडर है और एक फ्लाई है स्पाइडर टू द फ्लाई दिट द प्रिटीस्ट लिटिल पार्लर दैट यू एवर डिट स्पाई दिस मतलब इट्स और यहाँ स्पाई का मतलब एक्सपीरियंस है तो एक स्पाइडर अपने पार्लर में मतलब अपने रूम में एक फ्लाई को इनवाइट कर रहा है कि क्या तुम मेरे पार्लर में आओगी मेरा पार्लर सबसे सुंदर पार्लर है आज तक का द वे इन टू माई पार्लर इज अप अ वाइंडिंग स्टेयर मतलब सीढ़ी जैसे चढ़ के जाना पड़ता है एंड आई हैव मेनी प्रिटेड थिंग्स टू शो टू यू वैन यू आर देयर दिखाने के लिए मेरे पास बहुत सारा सुंदर चीज़ है ओ नो नो सेट द लिटिल फ्लाई टू आस्क मी इज इन वेन फॉर हू गोज अप योर वाइंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन तो मेरे से पूछना बेकार है वेन मतलब ऑफ नो यूज क्योंकि हम सुने हैं जो भी तुम्हारे स्टेयर्स पार्लर में ऊपर जाता है वो वापस कभी नीचे नहीं आता आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विथ सोरिंग अप सो हाई विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड सेट द स्पायर टू द फ्लाई तो वो बोल रहा है कि तुम इतना फ्लाई कर रही थी उससे तुम थक गई होगी तो क्या तुम मेरे बेड पे ऊपर आकर रेस्ट करोगी देर आर क्रिटिक कर्टन्स ड्रॉन अराउंड द शीट्स आर फाइन एंड थिन एंड इफ़ यू लाइक टू रेस्ट अ वाइल्ड स्नगली टक यू इन तो बहुत सुंदर सुंदर कर्टन्स है बेड शीट्स बहुत अच्छा है और एकदम पतला है रेस्ट करने में तुमको बहुत अच्छा लगेगा अल स्नगली टक यू इन मतलब एकदम कंफर्टेबली तुमको हम बेड में सुला देंगे ओ नो नो सेट द फ्लाई फॉर आई हैव ऑफन हर्ड इट सेड द नेवर नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड हम ऐसा सुने हैं कि तुम्हारे बेड पर जो सोता है वो कभी नहीं उठता है सेट द कर्निंग स्पाइडर टू द फ्लाई डियर फ्रेंड वॉट शैल आई डू टू प्रूव द वॉर्म अफेक्शन आई हैलवेज फेल्ट फॉर यू आई हैव विद इन माई पेंट्री अ गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट स्नाइस आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम विल यू प्लीज टेक अ स्लाइस तो वो बोल रहा है कि हमको तुम्हारे प्रति हमेशा से ही आ, मतलब फ्रेंडशिप वाला बात लगता था मेरे पैंट्री में मतलब फूड स्टोर में बहुत सारा अच्छा अच्छा खाने का सामान है तो क्या तुम एक कुछ भी एक टुकड़ा लेना चाहोगी ओ नो नो सेट द लिटिल फ्लाई काइंड सर दैट कैन नॉट बी आई हैव हर्ड व्हाट्स इन योर पैंट्री एंड आई डो नॉट विश टू सी हमको पता है तुम्हारे पैंट्री में क्या है और हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है

तो नाउ द स्पाइडर हैज स्टार्टेड टू प्रेज द फ्लाई अब वो उसका तारीफ शुरू कर दिया कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो हैंड तुम्हारा वीज बहुत विंग्स बहुत हैंडसम है आईज बहुत ब्रिलियंट है तो मेरे पार्लर में एक मिरर है वहां पर देखो अपने आप को तब तुमको पता चलेगा हाउ ब्यूटिफुल यू आर तो आई थैंक यू जेंटल सर्स शी सेड फॉर वॉट यू आर प्लीज टू सेडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ आई कम आई कॉल अनदर डे तो बहुत थैंक यू कि आप इतना सारा मेरा तारीफ में बोले लेकिन अब हम जा रहे हैं द स्पाइडर टर्न राउंड अबाउट एंड वेंट इन टू हिज डेन इसके बाद स्पाइडर अपने डेन में चला गया क्यों फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई वुड कम वुड सुन बी बैक अगेन क्योंकि उसको पता था कि वो फ्लाई वापस आएगी ही जरूर सो ही वो अटल वेब इन अ इन अ लिटल कॉर्नर स्लाई एंड सेट हिज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई Then he came out to his door again and merrily did sing, "Come hither, hither, pretty fly with the pearl and silver wing." Yeah. तो उसको पता था कि हम थोड़ा सा तारीफ किए ना तो अब वो fly जरूर अंदर आएगी तो वो चुपचाप फिर अपने den में चला गया और fly को मारने का तैयारी करने लग गया एक साइड में वेब बनाया और टेबल सेट कर दिया और वापस अपने दरवाजा तक आकर बोला कम हिदर हिदर प्रिटी फ्लाई इधर आओ प्रिटी फ्लाई विद द पर्ल्ड एंड सिल्वर विंग योर रोब्स आर ग्रीन मतलब तुम्हारा कपड़ा तो उसका स्किन कलर के लिए बोल रहा है ग्रीन एंड पर्पल देर इज अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड एक क्राउन है तुम्हारे हेड में योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट बट माइंड आर एज डल एज लेड तुम्हारा आइज तो डायमंड के जैसा चमक रहा है लेकिन मेरा तो डल के जैसा लेड uh, के जैसा डल है तो ये सारा देखो सिमिलीज होगा योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट सेकेंड होगा एज एज डल लेड अलास अलास हाउ वेरी दिस सिली लिटिल फ्लाई हियरिंग हिज विली फ्लैटरी फ्लैटरिंग वर्ड्स कम स्लोली फ्लिटिंग बाय विथ बजिंग विंग्स शी हंग अलॉफ्ट देन नियर एंड नियरअर ड्री यू तो अब धीरे धीरे वो अंदर घुसे जा रही है क्योंकि तारीफ सुन के वो रेजिस्ट नहीं कर पाई अपने आप को उसको सिर्फ अपना ब्रिलियंट आइज दिखाई दे रहा है अपना ही ग्रीन पर्पल ह्यू मतलब कलर तो वो खाली अपना ब्यूटी के बारे में सोची जा रही है थिंकिंग ओनली ऑफ अ क्रेस्टेड हेड पुअर फुलिश थिंग एट लास्ट अप द कनिंग स्पाइडर एंड फ्यसली हेल्ड हर फास्ट तुरंत वो स्पाइडर जैसे ही वो अंदर घुसने लगी स्पाइडर को तुरंत पकड़ लिया और ऊपर ले गया इन टू हिज डिस्मल डिस्मल मतलब अनहैप्पी डेन विद इन हिज लिटिल पार्लर बट शी नेवर केम आउट अगेन एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रेन हु मे रीड द स्टोरी टू आइडल सिली फ्लैटरिंग वर्ड्स आई प्रे यू नेिव हीड तो ये क्या हुआ वो अंदर गई स्पाइडर उसको मार के खा लिया तो इससे हम लोगों को मॉरल क्या मिला वॉट इज द मॉरल ऑफ दिस फेबल टू आइडल सिली फ्लैटरिंग वर्ड्स आई प्रे यू नेवर गिव ही टू एंड इविल काउंसिल ऑफ क्लोज हार्ट एंड ईयर एंड आई एंड टेक अ लेसन फ्रॉम द टेल ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई तो वॉट द पोएट वॉन्ट्स टू सेट Uh, अगर कोई हम लोगों का झूठा तारीफ करता है टू आइडल सिली फ्लैटरिंग वर्ड्स झूठा तारीफ पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए हीड मतलब अटेंशन एक बल्कि इविल काउंसलर को अपने दिल के ज़्यादा पास रखो मतलब जो तुम्हारा बुराई करता है उसको अपने पास रखो क्योंकि बुराई के थ्रू ही वो तुम्हारा सच्चाई तुमको दिखा रहा है कोई एक फ्रेंड ऐसा है जो हमेशा झूठ मुठ का तुम्हारा हाँ में हाँ मिलाता हो झूठ मुठ का तारीफ करता हो तो उसको फ्रेंड बोलने में कोई स्मार्टनेस नहीं है या कोई अच्छाई नहीं है इससे अच्छा वैसे इंसान को पास रखो जो हमेशा सच बोलता हो और भले ही तुमको वो बुरा क्यों ना लगे तो अन टू एंड एविल काउंसिल ऑफ क्लोज हार्ट एंड ईयर एंड आई यही स्पाइडर एंड द फ्लाई से लेसन मिलता है कि स्पाइडर उसको झूठ मूठ का तारीफ करते गया उसका और फ्लाई को लगा कि नहीं वो सच में मेरा तारीफ कर रहा है हम तो सुंदर हैं ही तो इसलिए वो ट्रैप में फंस गई दिस इज ऑल अबाउट द फेबल The spider and the fly.